हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इंडियन फूड में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है दम आलू बिरयानी। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम दम आलू बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 3 प्याज काट रखे हैं लंबे लंबे साइज में, और ये टमाटर भी मैंने काट रखा है, ये भी लंबे साइज में काट रखे हैं। आधी कटोरी दही, 2 चम्मच शाही बिरयानी मसाला, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट, और ये बीन्स ले रखा है मैंने फ्रेंड्स, आप चाहे तो बीन्स लें और चाहे तो ना लें। और ये हरा धनिया और ये मैंने 2 ग्लास चावल ले रखा है, ये चावल 500 ग्राम के लगभग है। और ये आलू मैंने काट रखा है बड़े साइज में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कुकर गर्म होने के लिए रख देते हैं। आज हम कुकर में बनाएंगे, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और बिरयानी जल्दी बन जाएगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, मैंने ऑयल पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। अब मैं इसमें सबसे पहले मैं आलू को रेड करूँगी, और तो इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। आलू को हल्का रोस्ट करना है। अगर तो फ्रेंड्स छीटा है तो आप ढक्कन लगा सकते हैं कुकर में। आंच को थोड़ा मीडियम रखेंगे और आलू को भूनेंगे 2 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, आलू हमारा हल्का रेड हो चुका है, मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैं इसी में थोड़ा सा और ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्च और लौंग ऐड करूँगी, जिसे मैं आपको बताना भूल गई थी। इसे थोड़ा रेड होने तक दूंगी। अब इसमें मैं प्याज ऐड करूँगी। इसे हल्का रेड होने तक भूनूंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज हमारा हल्का रेड हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। इसे एक बार अच्छे से चलाऊंगी। हल्का सा इसे मैं 30 सेकंड के लिए और भूनूंगी। 30 सेकेंड हो चुका है फ्रेंड्स, इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी, लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, इसे 30 सेकेंड और भूनूंगी। 30 सेकेंड हो चुका है फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा बीन्स ऐड करूँगी और 30 सेकेंड के लिए इसे और भूनूंगी। 30 सेकेंड हो चुका है फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 1 हरा मिर्च और कटा हुआ टमाटर ऐड करूंगी। और फ्रेंड्स, इसमें नमक भी ऐड करूंगी, मैं सारा नमक एक साथ नहीं ऐड करूंगी, मैं थोड़ा टमाटर में, थोड़ा ऊपर से बिरयानी में नमक ऐड करूंगी, और इसमें बिरयानी मसाला ऐड करूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और फ्रेंड्स, इसे मैं ढक दूंगी ताकि हमारा टमाटर अच्छे से गल जाए, और जब तक हमारा टमाटर नहीं गलेगा तब तक इसे हम चलाते हुए पकाएंगे।
तब तक फ्रेंड्स मैं दही फेंट लेती हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स टमाटर हमारा गल चुका है। मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और मसाले को 2-3 मिनट तक ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, 2 से 3 मिनट हो चुका है। मैं इसमें दही ऐड करूंगी। मसाला मैंने इसलिए ठंडा किया था फ्रेंड्स क्योंकि कभी कभार गर्म चीज़ों में दही फट सकती है। और इसमें मैं आलू ऐड करूंगी और गैस को दोबारा ऑन करूंगी और इसे अच्छे से एकदम मिला दूंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। थोड़ा सा धनिया ऐड करूंगी, इसे अच्छे से चला दूंगी। चावल मैंने पहले से ही धो रखा है फ्रेंड्स, इसमें मैं राइस ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया है। अब मैंने 2 गिलास चावल लिया था तो मैं उसी गिलास से 3 गिलास पानी ऐड करूंगी। 1 गिलास हो गया, ये 2 गिलास और ये 3 गिलास। इसे अच्छे से चलाऊंगी फ्रेंड्स और फ्रेंड्स इसे 2 सीटी आने तक मैं पकने दूंगी। और इसमें जो मैंने नमक बचाया था उसे मैं ऊपर से ऐड करूंगी और इसे दोबारा मैं चलाऊंगी और इसका ढक्कन लगा दूंगी और 2 सीटी आने तक इसे पकाऊंगी। आप देख सकते हैं फ्रेंड 2 सीटी आ चुका है, मैं गैस बंद कर दूंगी। और इसे मैंने तेज आंच पर रखा था, ये बहुत जल्दी पक चुका है फ्रेंड्स। इसका सीटी निकलने तक इसका हम वेट करते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बिरयानी हमारा बनकर तैयार है। इसे मैं हल्के हल्के हाथ से साइड से चला लूँगी और इसे एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स दम आलू बिरयानी बनकर हमारा तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।